हेलो दोस्तों, कैसे हैं? टीएस कोरबा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में एक आपके लिए एम्पलीफायर लेके आया हूं, जो आपका आहूजा मॉडल का जो दो टॉप है 250 वाट का। जी हां दोस्तों, जिसे हम मिनी डीजे भी कहते हैं, छोटा डीजे भी कहते हैं, छोटा डीजे का 250 वाट का जो दो टॉप है उसको चलाने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक भरोसेमंद टिकाऊ बेहतर एम्पलीफायर, और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला एम्पलीफायर। जी हाँ दोस्तों, मैं हमेशा आपके लिए ऐसा ही प्रोडक्ट चुन के लाता हूँ जो भरोसेमंद रहे, टिकाऊ रहे, ताकि आपका जो मेहनत का पैसा है वह मेहनत का पैसा सही जगह लगे और सही सामान आपको मिले, ताकि उससे आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस आगे ग्रोथ करता रहे, आगे बढ़ता रहे। जी हाँ दोस्तों, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आपका व्यवसाय को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की दे। जी हाँ दोस्तों, हम वापस आते हैं अपने वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा 300 वाट का पावरफुल एम्पलीफायर जो रेट में सस्ता लगेगा आपको, लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस है वह ज़्यादा रेट वालों के बराबर आपको लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यूएसबी की फैसिलिटी रहेगी, ब्लूटूथ की फैसिलिटी रहेगी, 300 वाट का रहेगा, 250 वाट के आहूजा के दो मॉडल, जो आहूजा के 250 वाट के जो मॉडल का जो टॉप रहता है उसको चलाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आइए वीडियो में हम आगे देखते हैं धुन कंपनी का 300 वाट का एम्पलीफायर। जी हाँ दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, यह रहा आपके सामने में धुन कंपनी का एम्पलीफायर, 6 चैनल का, 6 माइक का एम्पलीफायर है ये। धुन रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड कंपनी है, यहाँ लिखा हो रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड नंबर है इसका, ये नंबर है उसका। PA एम्पलीफायर विथ डिजिटल प्लेयर, यानी कि USB प्लेयर इसमें दिया हुआ है। इसमें सामने में डब्बे में हमें कुछ कुछ जानकारियाँ मिल रही हैं, जैसे 2 पावर सोर्स ऑपरेशन, यानी कि 2 पावर से हम चला सकते हैं। 2 पावर का मतलब, हम कहने का मतलब ये है, बिजली से और बैटरी से। 6 माइक और 2 ऑक्स इनपुट्स इसका इनबिल्ड है, 6 माइक चलेगा और 2 आपका ऑक्स इनपुट दिया हुआ है। और USB रीडर, आपका जो पेन ड्राइव होता है, USB कार्ड वाला, ये सब चीज़ इसमें आप डाल करके उसे चला सकते हैं। AC मेंस 24 वोल्ट DC कार बैटरी, 24 वोल्ट की जो कार बैटरी होती है उससे आप इसे चला सकते हैं। 12 बैटरी से भी इसे आप चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसे ओपन करते हैं। यह दोस्तों, हमें यह धुन कंपनी का वारंटी कार्ड, या धुन कंपनी का वारंटी कार्ड मिलता है, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से थर्माकोल पैक के साथ में यह अंदर में रखा हुआ है। और यहाँ पर आपका एक हमें यह रिमोट मिलता है, जिसकी सहायता से हम अपने डिजिटल प्लेयर को ऑपरेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह आपका रिमोट हो गया। अब आप देखेंगे कि यह थर्माकोल में बहुत ही अच्छे तरीके से पैक है, जिससे ट्रांसपोर्टिंग करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपका सामान डैमेज नहीं होगा। इसे हम बाहर निकालते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, यह रहा एम्पलीफायर आपके सामने में। इसका जो पेंट फिनिश है ज़बरदस्त है, इसका जो लुक है बहुत ही ज़बरदस्त है। अब टॉप में देखेंगे तो टॉप में पूरा कट दिया हुआ है। जनरली दूसरे एम्पलीफायर में आपको यह सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, देखने को नहीं ही मिलेगा किसी भी एम्पलीफायर में, ऊपर में, टॉप में यह कट। यह टॉप कट आपका जो अंदर के जितने भी रेजिस्टेंस, जितने भी पार्ट्स हैं, ट्रांसफार्मर हैं, इन सब चीज़ों को ठंडा रखने में यह मदद करेगा। जी हाँ, एंटीलेशन के लिए यह काम आता है। अंदर की जो गर्म हवा है वह पूरा बाहर निकल जाएगी और वो ठंडकता अंदर में बना रहेगा, तो आपके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिक ऐसे ठंडे होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, सामने में आपके 6 माइक कंट्रोल दिए हुए हैं। यह 6 माइक इनपुट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उसके यह कंट्रोल दिए हुए हैं। हर चैनल के लिए, हर माइक के लिए एक सेपरेट अलग से टोन कंट्रोल दिया हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक, चारों नंबर सेपरेट काम करेंगे। लेकिन आपका जो 5 नंबर और 6 नंबर है, इसमें 2-in-1 फैसिलिटी है, यानी कि हम यह बटन को इस तरफ करेंगे और माइक लगाएंगे और इसको बढ़ाएंगे तो हलो हलो का आवाज़ आएगा, लेकिन बटन को हम इधर कर देंगे और इधर हम बढ़ाएंगे जो भी
तो माइक का हलो हलो नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, माइक का हलो हलो नहीं आएगा। पीछे ऑक्स वन में हम जो इनपुट करके रखे हैं उसका आवाज आएगा, यानी कि इस बटन की सहायता से हम एक टाइम में हलो हलो बोल सकते हैं। और इसको इधर कर देंगे तो जो हमारा सीडी प्लेयर चलता रहेगा, जो लैपटॉप में गाना चलता रहेगा, वो गाना चलना चालू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उस फैसिलिटी के लिए यह दिया हुआ है कि हमको हलो हलो बोलना है तो उधर कर दिए हलो 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 हलो, और गाना चलाना है तो इधर कर दिए, या अब गाना चलने लगा। उसी प्रकार इसमें भी वही है, 6 नंबर और 5 नंबर में यह 2-in-1 फैसिलिटी है, यानी कि आप चाहे तो गाना चला लीजिए, या चाहे तो आप वन टाइम में गाना चला लीजिए, या एक टाइम में आप माइक का काम ले सकते हैं। 5 नंबर जो चैनल है वह 2-in-1 यानी कि ऑक्स वन का जो इनपुट है सॉन्ग वो बजेगा या हलो हलो बजेगा, तो यह 2-in-1 हो गया। उसी प्रकार जो माइक 6 नंबर का जो माइक का इनपुट है और यह जो कंट्रोल दिया हुआ है यह 3-in-1 है। जी हाँ दोस्तों, 3-in-1 मतलब आपका 3 काम होगा इस स्विच से, इस नॉब से। हम इसका आवाज़ बढ़ाएंगे तो जो इधर हम स्विच करके रखे रहेंगे तो माइक का हलो हलो आएगा, और बीच में हम करेंगे तो जो पीछे में ऑक्स 2 में हमने जो सिग्नल को इन किया है उसका आवाज़ आएगा, और हम फिर से स्विच को इधर करेंगे तो हमारा ऑक्स इसका आवाज़ आएगा। जी हाँ दोस्तों, जो हम यहाँ पर पेन ड्राइव में जो गाना वाना डाल के रखे रहेंगे वह गाना यहाँ से हम बजेगा। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया 3-in-1, यानी कि आपका एक करेंगे तो माइक, बीच में करेंगे तो आपका ऑक्स 2 का गाना, और तीसरा नंबर करेंगे तो यहाँ पर जो आप चलाएंगे उसका। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हम यहाँ पर, यह आपका टोन कंट्रोलर है, समझ लीजिए फिल्टर है, यह एक बाईपास फिल्टर है। हम इधर करेंगे जो अगर बॉक्स बजाना है तो हमको इधर कर देंगे तो हमें उसमें बेस मिड सब कुछ आएगा, और हम अगर चोंगा बजाना चाहते हैं तो इधर कर लेंगे तो रेड क्लिप जलेगा, यह जो एलईडी है यह एलईडी रेड जलेगी। इसका मतलब होता है कि इसमें से बेस ट्यून को जो होता है काट दिया जाता है ताकि हमारा चोंगा का जो डायफ्राम है वह जले मत। ठीक है दोस्तों, तो आपको बेस, आपको बॉक्स बजाना हो तो बॉक्स में कर दीजिए, चोंगा बजाना हो तो चोंगा में कर दीजिए। सो सिंपल, आपका सामने में दिख रहा है यह USB प्लेयर है, इसमें आपका यहाँ पर मोबाइल का जो छोटा जो चिप आता है डाल दीजिएंगे तो वो भी चलेगा, मोबाइल से भी चलेगा, और मोबाइल से ब्लूटूथ डाल देंगे तो ब्लूटूथ भी कैच कर लेगा, उसे भी चलेगा। और आपका यह आ गया बेस, बेस चाहिए, बेस बढ़ाना है तो इसको बढ़ाइए, और आपका ट्यून को पतला करना है इसको कर लीजिए, और इन सभी का आवाज़ को बॉक्स में डालना है तो यह मास्टर। जी हाँ दोस्तों, मास्टर वॉल्यूम नॉब है यह उसको बढ़ाना है तब जाके हमारे बॉक्स में अच्छे से आवाज़ बढ़ेगा। यह मास्टर आप इसे बढ़ाइए, और बाकी कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ सर के कंट्रोल कर सकते हैं कितना कम और कितना ज़्यादा हमको किस चैनल का आवाज़ चाहिए, तो यहाँ से कर सकते हैं। यह आपका रीसेट बटन है, अगर कुछ समस्या आती है, ओवरलोड होता है, ओवरलोड हो जाएगा तो आपका यह जो LED है वह ग्लो हो जाएगा, है ना, यह जलना चालू हो जाएगा, तो आप रीसेट दबा देंगे तो रीसेट हो जाएगा। ओवरलोड कम कर दीजिए और फिर से मशीन को चालू कीजिए। ये दोस्तों पीछे देख लेते हैं, पीछे में क्या है। दोस्तों यह आपका पीछे का भी हो गया, हम पावर कार्ड के बारे में बात करते हैं तो पावर कार्ड कंपनी का है। जी हाँ दोस्तों, यह कंपनी का पावर कार्ड है, और देख लीजिए 3 पिन जो लगा हुआ है वह बहुत ही बढ़िया मजबूत है, और आपका यहाँ पर फ्यूज दिया हुआ है जो कि 4 एम्पीयर का है, 4 एम्पीयर का फ्यूज आपको यूज करने हैं, और यहाँ पर आप FM एंटीना ऐसा वायर निकाल के लंबा कर सकते हैं, इसकी सहायता से इसमें FM भी चलेगा। जी हाँ दोस्तों, FM अगर आपके एरिया में काम करता होगा तो इसमें एक ऐसा वायर लपेट करके इसमें आप ऐसा बाहर निकाल देंगे तो एंटीना के जैसे यह काम करेगा। इसमें RCA पिन लगा लेंगे और वायर को खुला छोड़ देंगे, ऊपर थोड़ा सा टांग देंगे तो यह खींचने लगेगा और FM चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखेंगे कि 24 वोल्ट DC लिखा हुआ है, यह दोस्तों 24 वोल्ट DC, यह प्लस हो गया और यह माइनस हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यह जो रेड कलर का देख रहा है, यहाँ पर आप 70
वोल्ट का और लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर जो होता है वो वाला 100 वोल्ट वाला, यहाँ से आप अपना चूंगा, अपना यूनिट, अपना हॉर्न बजा सकते हैं दोस्तों। और यह आपका जो ब्लैक है यह बॉक्स के लिए कनेक्ट दिया हुआ है, यह जी हाँ दोस्तों यहाँ कॉमन है 4 ओम में 8 ओम में, आप जैसा अपना आपका मैच होता है उस हिसाब से आप इसमें से आउटपुट लेकर के आप बजा सकते हैं। यह अर्थ हो गया, अगर आप बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसमें से एक वायर लगा करके अर्थिंग जी हाँ दोस्तों ज़मीन में देते हैं तो आप इसमें से एक अर्थिंग भी दे सकते हैं, जिससे कि आपके जो प्रोग्राम है उसमें हमिंग वमिंग की समस्या नहीं आएगी। लाइन आउट हो गया, लाइन इन हो गया, लाइन आउट हो गया, प्री आउट हो गया, ऑक्स 1 और ऑक्स 2, यह आपके यहाँ पर इतना दिया हुआ है, यह इन यह आउट, लाइन इन है, लाइन आउट है और प्री आउट है और ऑक्स 1 और ऑक्स 2, ये आपके 5 कंट्रोलर इनपुट यहाँ पर दिए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने अपने एम्पलीफायर को देखा, अब हम इसके अंदर के पार्ट्स देख लेते हैं कि कंपनी ने किस टाइप का इसके अंदर का अरेंजमेंट किया है, कैसे कैसे इसके अंदर पार्ट्स लगे हुए हैं। दोस्तों जब तक हम अंदर का नहीं देखेंगे तो हमने क्या देखा। जी हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो में बिल्कुल साफ सुथरा हर प्रोडक्ट को खोल कर दिखाया जाता है, जिससे कि आप अपना दिमाग का उपयोग कर सकें, आपको पता चल सके कि सामान की हैसियत क्या है, सामान कैसा है, सामान का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो उसी प्रकार हम इस वीडियो में इस एम्पलीफायर को भी ओपन करते हैं और अंदर के पार्ट्स देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं। यह दोस्तों यह अंदर का लुक है, आइए देख लीजिए। यह हमारा जो मेन सोर्स है पावर ट्रांसफार्मर। जी हाँ दोस्तों, इसकी कॉपर की वाइंडिंग है, 101% कॉपर की, प्योर कॉपर की वाइंडिंग है और यह बहुत ही बढ़िया एक नंबर ट्रांसफार्मर है बिल्कुल। और यह देखिए दोस्तों मजबूत है, औरों के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा है। और उसी प्रकार हम यहाँ आते हैं तो देखते हैं यह एक पावर कैपेसिटर जो कि 15,000 UF और आपका 50 वोल्ट का पावर कैपेसिटर ये है। और ये हो गया हमारा ऑडियो ट्रांसफार्मर। जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, प्योर कॉपर का वाइंडिंग है, इसमें गारंटी है दोस्तों, दोनों प्योर कॉपर के वाइंडिंग से ही बने हुए हैं। और आप यहाँ देख लीजिए कि आपका यह ड्राइवर सेक्शन है, ड्राइवर प्लेट है और अंदर में जो है आप देखेंगे तो इस तरफ आपका पूरा का पूरा जो इक्वलाइजर है हमारा, जो हमारा कंट्रोल है, जो माइक का कंट्रोल है, वह पीसीबी। जी हाँ दोस्तों, इस प्लेट के अंदर में वह पीसीबी है, तो वह कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जिसको हम ओपन करके दिखाएं। उसी प्रकार यहाँ पर यूएसबी प्लेट लगा हुआ है, यूएसबी किट लगी हुई है और आपका मेन इसमें कुछ भी नहीं है। मेन आपका दो ट्रांसफार्मर हो गया, एक पावर, एक ऑडियो और एक ड्राइवर। जी हाँ दोस्तों, ड्राइवर और बाकी जो इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल मिलना चाहिए और यह उसे अप करके हमें सिग्नल प्रदान करता है। और जो इसके 5200 हैं, जो 5200 हैं वह बहुत ही मजबूती के साथ, जी हाँ दोस्तों, 4 इधर और 4 इधर जो कि बॉडी से अटैच हैं। आप देखेंगे इसकी वायरिंग, देखेंगे तो वायरिंग बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कंपनी का लगा हुआ है और अंदर का जो साफ़ सफाई और जो लगाने का स्टाइल और जो वायर यूज किया है बहुत ही बढ़िया यूज किया है, बहुत ही बढ़िया है। यह दोस्तों चलेगा, 100% चलेगा, टिकाऊ है, भरोसेमंद है, मेरी गारंटी है दोस्तों कि इसे आप लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं पछताएंगे। दोस्तों आप देख लीजिए इसको, यह आपका अंदर का, देखिए यहाँ पर आपका ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर एक सर रखा हुआ है और यह बूस्ट सर्किट है जो इसे बूस्ट प्रदान करते हैं। और अंदर में 5200 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और एमीटर के जो ये आपके रेजिस्टेंस, इधर ये रेजिस्टेंस हो गए, 4 इधर 4 इधर 8 पीस का उसमें उपयोग किया गया है। यह दोस्तों अभी हमने देखा 300 वाट का एक एम्पलीफायर जो कि भरोसेमंद है, टिकाऊ है, आपके डीजे के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, आप इसे ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। यह दोस्तों अगर आपको यह प्रोडक्ट अच्छा लगा और इसे आप परचेस करना चाहते हैं तो आप www.totalsolution.in, जी हाँ दोस्तों यह वेबसाइट का एड्रेस है,
आप प्रो में इसे विजिट कीजिए, इसमें जाकर के प्रो में इसे ओपन कीजिए और विजिट कीजिए और इसके रेट को आप देख लीजिए, खरीदेंगे मन होगा बाय इट कीजिए। या अगर कोई समस्या आ रहा है इसे खरीदने में तो आप 9826 09521, या दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मुझसे इसका रेट ले सकते हैं, खरीदेंगे कैसे इसे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। या दोस्तों अगर यह प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा तो इसे तुरंत खरीदिए, यूज करके देखिए, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए और हमारी वेबसाइट के बारे में बताइए, क्योंकि TotalSolution.in भारत का भरोसेमंद वेबसाइट है जहां आपको सही दाम सही सामान, या दोस्तों सही दाम भी सही सामान भी, आप जैसा आपका सामान आपको सुरक्षित आपके घर में पहुंच जाएगा, मिलेगा घर में आपके। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इसी प्रकार जानकारी वाले वीडियो हमेशा देखते रहें। हम अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, तब तक अपने दोस्त रमेश कुमार अज्ञे को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।